लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद आरजेडी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ लालू यादव की तबीयत बिगड़ रही है तो दूसरी तरफ परिवार में भी कलह बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर पार्टी को मजबूती देने के लिए तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। आम चुनाव में लालू यादव के जेल में रहने के कारण उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा संभाला, हर मंच से बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ हल्ला बोला। लेकिन जब 23 मई को रिजल्ट आए तो तेजस्वी की मेहनत पानी में बह गई, क्योंकि आरजेडी को बिहार में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। आरजेडी की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार हुआ लोकसभा में उसका एक भी उम्मीदवार चुनकर नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी गायब हो गए। यहां तक कि उनकी पार्टी को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विपक्ष तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहा था, लेकिन फिर तेजस्वी ने वापसी की और विरोधियों को शांत किया, लेकिन वो किसी भी मोर्चे पर एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। विधानसभा सत्र के दौरान भी उनकी सक्रियता कम ही देखने को मिली, मगर अब जैसे ही विधानसभा चुनाव की आहट हुई तो तेजस्वी भी पार्टी को मजबूती देने में जुट गए हैं। इसीलिए फेसबुक पोस्ट से नीतीश सरकार को घेरने के बाद बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर तीखा तीर छोड़ा है। उन्होंने एक ट्वीट कर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा, अपराधी जेल में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बीजेपी के विधायक हाथी पर बैठकर हथियार लहरा रहे हैं, नीतीश कुमार के विधायक सिविल सर्जन को हड्डी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, पुलिसकर्मियों को सरेआम निशाना बनाया जा रहा है, सीएम भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं, आम नागरिक आपराधिक घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराधों के लिए सत्तारूढ़ दलों को जिम्मेदार ठहराया और नीतीश कुमार पर सबको अनदेखा करने का आरोप भी लगाया था। आरजेडी नेता ने कहा था कि बिहार वासियों का हर एक दिन अपराध और अपराधियों के बीच सहमते गुजर रहा है। साथ ही तेजस्वी ने कहा था कि ब्यूरो चीफ नीतीश कुमार अपनी मीडिया की एडिटिंग के भरोसे बेफिक्र हैं कि जनता को सच्चाई का पता नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा देने को भी कह दिया था। तेजस्वी की सक्रियता और नीतीश कुमार को घेरने से लग रहा है कि आरजेडी भी अब लोकसभा चुनाव की हार से निकलकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं नीतीश की परेशानी बढ़ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।